कानपुर देहांत मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने विकास भवन के विभागों के कार्यों को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता लघु सिंचाई सहकारी सहकारिता विभाग अधिकारियों द्वारा बिना अनुमति उपस्थित पाए जाने पर एक दिन का वेतन काट जाने का निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग लघु सिंचाई सहकारी सहभागिता आदि विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया तथा उपस्थित रजिस्टर को चेक किया। वहीं सहकारिता कार्यालय समाज कल्याण विभाग की अलमारी अस्त व्यस्त मिली, पत्रावली सही प्रकार से सुसज्जित नहीं मिली। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी पर कड़ी फटकार लगाई तथा कहा कि पूर्व में ही मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था, उस समय भी यही हाल थे, कोई सुधार नहीं हुआ है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को सख्त हिदायत दी कि शीघ्र ही संपूर्ण व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यालय समय से खोले तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, पत्रावली सही प्रकार से रखे तथा उपस्थित रजिस्टर में प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का हस्ताक्षर सही प्रकार से हो तथा समय भी अंकित करें एवं शासन की जो योजनाएं भी विभाग में चल रही हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें व पात्र गरीब व्यक्ति को लाभ भी पहुँचाएं। इस मौके पर अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सेक्टर जोनल स्कीम लागू करी है और सभी जगह पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि सभी जगह शांति रहे, हमारे पूरे कानपुर देहात में पूरे प्रदेश में शांति रहे, इसी के लिए हम लोग नंबर छेड़ रहे हैं। इधर आपको